तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जुमेरात 7 दिसंबर को टीएस जिनको एंड ट्रांसको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव के इस्तीफे को मुस्तरद कर दिया और साबिका दौरे हुकूमत के दौरान पावर सेक्टर की रिपोर्ट्स का मुतालिबा किया। प्रभाकर राव ने कई दीगर कॉरपोरेशनों के सरबराहों के साथ भारत राष्ट्रीय समिति के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत बनाने में नाकाम होने के बाद अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। नौ मुंतखब वज़ीर आला मुबीना तौर पर कॉरपोरेशंस की इंतजामिया से गैर मुतमईन थे, जो रिपोर्ट्स को रोक रही थी, इसलिए उन्होंने तफसीलात पर तबादले ख्याल के लिए एक जायज़ा मीटिंग का शेड्यूल बनाया था। पिछली हुकूमत के दौरान पावर सेक्टर से मुतालिक हकायक को जाहिर न करने पर अहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने उन्हें हिदायत दी कि वो जुमा के जायज़ा इजलास में तमाम तफसीलात के साथ आएँ। जुमेरात को चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने काबीना की पहली मीटिंग की सदारत की, जहां उन्होंने बुनियादी तौर पर पावर सेक्टर और मालियात पर तवज्जो मरकूज़ की। पावर सेक्टर पर मुबीना तौर पर 85,000 करोड़ रुपए के कर्जे हैं।